डियर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, अभी दो बड़े इंफॉर्मेशन के साथ है, एक अपडेट सीआईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए काफी डिसिसिव होने वाला है। जैसा कि इंफॉर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि स्कूलों के खुलने और न खुलने के पीछे स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होनी है, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट तय करेंगे कि नवंबर तक स्कूल खुल जाएंगे या नहीं खुलेंगे। उस कंडीशन में सीआईएससी अपनी प्रिपरेशन को करके रखना चाहती है। कहने का मतलब यह हो गया कि सीआईएससी ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेगी और यह एग्जामिनेशन होम बेस्ड होंगे या फिर अन्य सारे कुछ प्रोसेस अपनाए जा सकते हैं। 10-20% इस चांस को भी लेकर रखिए। उस कंडीशन में भी यह प्रिपरेशन पूरी तरह से चल रहा है कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कन्वीनियंट कहां पर हो। अब स्टूडेंट के लिए जो भी प्रॉक्टर टाइप या फिर असेंबल टाइप एग्जामिनेशन, एक दो तरह के एग्जामिनेशन के मॉड्यूल तय किए गए हैं, चाहे होम बेस्ड हो या फिर अन्य किसी भी मॉड्यूल को अपनाया जाए। अगर प्रॉक्टर बेस्ड होगा उसमें फिजिकल अपियरेंस और स्टूडेंट के सर्विलांस के लिए कहीं पर भी एक विशिष्ट मानदंड तय किए जाएंगे और ऐसा इंडिया के साथ अब्रॉड में होता रहा है। माना यह जा रहा है कि असेंबल बेस्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को यह फ्रीडम होगी कि वे अपने घर से एग्जामिनेशन दे सके और इसके लिए स्टूडेंट के जो भी डिवाइस होंगे उसी के माध्यम से एग्जामिनेशन को पूरी तरह से सर्विलांस किया जाएगा। इस विषय पर बहुत हद तक मंथ अक्टूबर 2021 में यह देखना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट मसलन दिल्ली गवर्नमेंट, फिर उड़ीसा गवर्नमेंट के अलावा नॉर्थ ईस्ट के गवर्नमेंट, साउथ इंडिया के कई स्टेट गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल क्या डिसीजन लेते हैं स्कूल को खुलने को लेकर। क्या नवंबर फर्स्ट या नवंबर सेकंड से सभी स्कूल पूरी तरह से खुल जाएंगे क्लास 9th, 10th and 11th, 12th के लिए। अगर ऐसा होते हैं उस कंडीशन में कुछ चेंजेज आने की संभावना है, यानी कि प्रॉक्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। फिर भी ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन माने जा रहे हैं कि होम बेस्ड होने में ही सबसे ज्यादा फायदे या बेनिफिट है, क्योंकि स्कूल को कोई रिसोर्स नहीं खर्च करने होंगे। सेकंड, स्टूडेंट अपने रिसोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंज्यूम करते हुए एग्जामिनेशन को देंगे। थर्ड, यहाँ पर सीआईएससी एक ऑब्जर्वर की भूमिका में होगी जो कि असेंबल करेगी एग्जामिनेशन को और फिर ये एग्जामिनेशन कंप्लीटली सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रॉन्ग टाइम लिमिट दिए गए हैं आईसीएसई के लिए 1 आवर एंड आईएससी के लिए 1.5 आवर, उसमें चांसेस भी बहुत कम है कि स्टूडेंट को किसी तरह के अनफेयर मींस एडॉप्ट करने के कुछ भी प्रोसेस अपनाए जा सके। अगर 10-20% यह मान के चला जा रहा है कि इस तरह के कोई सिस्टम अपना भी लिए जाते हैं तो काफी छुटपुट होंगे और इसको नेग्लिजेबल मान के चला जाएगा। चूंकि सीआईएससी इनिशिएट करना चाहती है अपने एग्जामिनेशन को ऑल ओवर इंडिया लेवल पर और अब्रॉड के कई आईसीएसई अफिलिएटेड स्कूल भी चाहते हैं कि अब एग्जामिनेशन हो, तो मान के यह चला जा रहा है कि सीआईएससी सीबीएसई के उस पैटर्न पर चलेगी जहां पर उसने यानी सीबीएसई ने अपने सभी अफिलिएटेड स्कूलों को कहा है कि वे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट तैयार करके उन्हें अक्टूबर तक भेज दें और सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले टर्म 1 एग्जामिनेशन सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के लिए किसी भी मीडियम में हो सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सीआईएससी इसी पैटर्न को काफी कुछ फॉलो कर सकती है, संभावना है, ये सियोरिटी नहीं है। सीआईएससी ने कहा है कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को स्टूडेंट की कन्वीनियंट, स्टूडेंट के बेहतरी और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें स्टूडेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी। सीआईएससी बहुत कुछ आगे की सोच रही है, जहां पर अगर स्कूल नहीं खुलते हैं किसी तरह से नवंबर तक
तो भी स्टूडेंट को अपने एग्जामिनेशन अपने डिवाइस से देने के लिए तैयार रहने होंगे और उसे अपने मोबाइल डेटा या ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई कनेक्शन वाट एवर रिसोर्सेज या उन्हें अपने ही तैयार करने होंगे। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर।